16.2.3 एल्केनोइक अम्लों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक अम्लों की प्रकृति अम्लीय होती है तथा अधिकतर अम्ल जल में विलेय होते हैं। उच्च अणुभार वाले एल्केनोइक अम्ल वसीय अम्ल जल में अविलेय होते हैं, जैसे स्टीयरिक अम्ल। अम्लीय स्वभाव के कारण ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। आइए एल्केनोइक अम्लों के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करें। पहला, लवण का बनना। चूंकि एल्केनोइक अम्ल अम्लीय स्वभाव के होते हैं, इसलिए यह क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल कास्टिक सोडा से क्रिया करके सोडियम एसीटेट लवण बनाता है। CH3COOH प्लस NaOH इज इक्वल टू CH3COONa सोडियम एसीटेट प्लस H2O। इसी तरह मेथेनोइक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम फॉर्मेट बनाता है। ट्वाइस HCOOH प्लस CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू HCOO होल ट्वाइस Ca कैल्शियम फॉर्मेट प्लस ट्वाइस H2O। यदि एसिटिक अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करे तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा? इस रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके भी लवण बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। CH3COOH प्लस Na2CO3 इज इक्वल टू CH3COONa प्लस H2O प्लस CO2 गैस। CH3COOH प्लस NaHCO3 इज इक्वल टू CH3COONa प्लस H2O प्लस CO2 गैस। उपरोक्त दोनों समीकरण को संतुलित करते हुए क्या आप कोई क्रियाकलाप बता सकते हैं जिसके द्वारा निकलने वाली CO2 गैस की जांच की जा सके? दूसरा, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। जब एल्केनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ गर्म करने पर क्रिया करता है तो विशिष्ट भीनी गंध वाला एस्टर बनता है और इस रासायनिक क्रिया को एस्टरीकरण एस्टरीफिकेशन कहते हैं। CH3COOH एथेनोइक अम्ल प्लस CH3CH2OH एथेनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में CH3COOCH2CH3 एस्टर प्लस H2O। क्रियाकलाप 3। एक बीकर में 150 ml पानी लीजिए तथा 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिए। अब दो परख नली लेकर उन्हें क्रमशः क और ख नामांकित कीजिए। परख नली क में 5 ml एथेनॉल लीजिए। परख नली ख में 5 ml ग्लेशियल एसिटिक अम्ल लें और उसमें 4-5 बूंदें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। अब परख नली क के विलयन को परख नली ख के विलयन में मिला दीजिए। इस मिश्रण को 5 मिनट तक गर्म जल में रखिए। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा। इस अभिक्रिया मिश्रण को थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाइए। दिए गए चित्र के अनुसार इस मिश्रण को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जलीय विलयन में उड़ेल दीजिए। ऐसा करने से मिश्रण में बिना अभिक्रिया किया हुआ एथेनोइक अम्ल NaHCO3 से अभिक्रिया करेगा। क्या आपको बुदबुदाहट दिखाई दी? होने वाली प्रक्रिया का अवलोकन कर नोट कीजिए। क्या कोई विशिष्ट गंध फलों के समान मीठी आती है? यह गंध किस पदार्थ की हो सकती है? तीसरा, धातु के साथ अभिक्रिया। एल्केनोइक अम्ल अन्य अम्लों की तरह सोडियम जैसी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। CH3COOH प्लस Na इज इक्वल टू CH3COONa प्लस H2 गैस। उपरोक्त अभिक्रिया को संतुलित कीजिए।
आप यह जांच कैसे करेंगे कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है? 16.2.4 एल्केनोइक अम्ल के उपयोग, यूजेस ऑफ एल्केनोइक एसिड। पहला, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन सिरका कहलाता है, यह अचार चटनी में परिरक्षक का काम करता है। दूसरा, एल्केनोइक अम्ल से एस्टर बनते हैं जिसका उपयोग परफ्यूम, बहुलक आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल भी हाइड्रोक्सी अम्ल हैं। इनमें OH और COOH समूह दोनों क्रियात्मक समूह होते हैं। इनका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है।